और मैं कहती कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बच्चे कहते हमने कुछ नहीं खाना। अब वैसे कल सुबह शुभान माले क्या हुआ था, सुबह जाना अपना समोसा की चोरियाँ नहीं खानी आज, अभी कुछ हो ही कर दो। ये मच बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मसूड़े भी अच्छे हैं, मच भी अच्छी है। मैं क्या मच ले लेके जाता है घर के लिए। अभी हम आगे सब्जी की दुकान थी तो यहाँ से हम सब्जी लेते हैं, मसाला लेते हैं, क्योंकि साढ़े इलाके दी है आधी कितों की मिलती ये बड़ी मजे की बड़ी चीज़ें बनाई थी यहाँ पे। ये देखो जी मिनटों सेकेंटों में हमारे पकौड़े हो गए हैं रेडी। यहाँ घर पे वक्की पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं। ये देखे जी बैंगन भी फ्राई हो गया, फिर को थोड़ी देर स्टे देंगे यहाँ पे, फिर अच्छे से हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। माशाल्लाह जी आज 24वीं सहरी है, तो 24वीं सहरी माशाल्लाह सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के महीने के सदके जो जो भी औलाद है अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक साफ़ी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक साहब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चे के मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक माँ बाप का साया बच्चों के साया पर सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी प्यारी फैमिली के बड़े प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं आल फैमिली के लिए, लव यू जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं फैमिली के लिए, दुआ करते हैं, खुश होते हैं। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का और प्यार का। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आपके पास आती रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी फ्रेंड यहाँ पे हो गया जी सहरी का टाइम, सहरी बनाते हैं और तैयारी करते हैं और आपके साथ प्रॉपर एक्टिविटी शेयर करते हैं। जी यहाँ पे हो गया जी सहरी का टाइम और यहाँ पे दही सही कामरा ने शुरू कर दिया खाना, इसके अंदर शक्कर डाल के नहीं जी शक्कर हिलानी तो घंटा पूरा लगना, कामरा एक बुरा घंटा लगाना होता है शक्कर हिलाने में। मैंने रात को ना बनाए थे दाल चावल, मैंने कहा था फिर मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने दाल चावल बना लिए और बहुत ही मजे के बने, कि साहब परांठा भी बन जाएगा। समझ क्या लेके आए हो? अंडे। कहाँ से? अंडे। अंडा हाँ फ्रिज में। हाँ। क्या खाना तुम्हें? अंडा परांठा। अंडा परांठा खाना है? अच्छा चलो मैं अंडा परांठा लाती हूँ इसके लिए तो खा लें। यहाँ पे जी सुबह ने खाना था अंडा, मम्मा मुझे अंडा खाना है तो मैं इसके लिए अंडा बनाने वाली हूँ। मैंने कहा यहाँ पे बना लेती हूँ, यहाँ पे परांठा बनाया। जो जो बच्चे कहते हैं मम्मा वही बना देती है, इनको यही खा ले। मैंने मम्मा हरी मिर्च वाला खाना है, मैंने इसको वो बना दिया। यहाँ पे मेरी थैली डन हो गया है, इसको मैंने उतार लेना है। इसको सुबह का परांठा तो रेडी है, सुबह का अंडा भी हो गया रेडी, अब हम बनाते हैं परांठा इसको पास सामान के लिए। हाँ जी जनाब, ये जी आपका परांठा, ये है जी आपका अंडा, ठीक है। ईसा आपने रोज़ा कहाँ रखना है जल्दी बताओ? आपके पास? ईसा ने रोज़ा मेरे पास, आज मेरे पास ईसा रोज़ा रखने आया। ईसा कहता जी बड़ी मम्मा जो है ना, मैं बड़ी मम्मा से रोज़ा रखना चाह गई। रख लिए रोज़ा? किस में रखा है? डब्बे में। मेरा परांठा ना जला देना, मैं तुम भी तुझसे बात करती हूँ। ना बन गया परांठा, परांठा बड़ा मज़ा आता है दाल के साथ ना, ये दाल है अभी अच्छी बनती है, माँ चने की दाल मैंने रात को बनाई थी, इसके साथ वैसे भी परांठे का मज़ा आता है। साथ में मैंने वाइट चावल बनाए तो साथ में ये वाली दाल बना ली, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पकाऊँ। अच्छा जी यहाँ पर जी मैंने बना लिया जी अपने लिए परांठा और ये है दाल और ये है दही। पहले मैं खाऊंगी दाल के साथ परांठा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत टेस्टी मज़ेदार है, सभी सहरी कर रहे हैं। और हाँ जी जनाब मीठा दही।
हाँ जी। तो यहाँ पर हम सैरी कर लेते हैं ताकि अभी टाइम तो है वैसे। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी सैरी का टाइम ख़त्म हो गया और अजान भी हो गया, अब नमाज वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया, बर्तन मैंने वॉश कर लिए, प्रॉपर सारा कुछ काम मेरा हो गया ख़त्म। अब नमाज वगैरह पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और फैमिली के लिए दुआ करते हैं। और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे कमेंट्स आया था, मेरी प्यारी सिस्टर कहती है कि अभी आपके लिए मैं दुआ करती हूँ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और प्यार का। मैं भी नमाज़ पढ़ के सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको प्यारी सी औलाद दे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी सलोन जाने के लिए, अब सलोन चलते हैं। और गर्मी भी बड़ी लग रही है मुझे, और मौसम देख सकते हैं आप, सही अब आ गई है जी, गर्मियों की धूप आ गई है। कामरा साहब ने बाइक बाहर निकाल दी है, तब उन्होंने मुझे कहना है और चले थोड़ी वाले लिए और हाँ जी हो गया रेडी, अब चले। पिंकी इधर तो आओ, आजा जा लाडू। तो बस अब चलते हैं, रेडी शेडी तो हम हो गए, प्रॉपर जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। देख सकते हैं कितनी धूप है, लग पता जाना अब गर्मी स्टार्ट है, मजे सर्दियों के मज़े ले रही हैं, अब गर्मियों के भी मज़े ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अपने सलोन हम पहुंच गए जनाब। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैं अपनी प्यारी फैमिली के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह सभी ने बड़े प्यारे कमेंट्स किए हुए हैं। और माशाल्लाह मेरी प्यारी बहन है, उन्होंने बोला हुआ है गुजरांवाला से, उन्होंने बोला अभी मेरे लिए स्पेशली दुआ करना, मेरी औलाद नहीं है, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। और एक मेरी बहुत प्यारी बहन है और उसका नाम नुसरत है, और उन्होंने मुझे बोला था कि अभी मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए ना मेरी औलाद नहीं है, 13 साल हो गए हैं। तो कल मुझे उन्होंने बताया है कि अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने 13 साल बाद मेरी सुनी है, और मुझे इतनी तो मुझे ना कल उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि आपकी दुआओं से ना अल्लाह पाक ने मेरी सुनी है। मैंने कहा ये मेरा नहीं है, ये अल्लाह पाक के काम है। मैंने कहा था ना कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं दिल से दुआ करती हूँ, जो अल्लाह पाक को बताया, जो बंदा दिल से दुआ करता है ना अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। और इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहन अल्लाह पाक आपको भी देगा, जो जो मेरी प्यारी बहन है बे औलाद अल्लाह पाक सबको देगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। और मुझे इतनी खुशी हुई माशाल्लाह कि वो कह रही कि अभी मुझे 13 साल बाद अल्लाह पाक ने सुनी है, और माशाल्लाह से मैंने कहा अल्लाह पाक नज़र से बचाए और अल्लाह पाक अपनी जुमान में रखे और खैरियत से अल्लाह पाक आपको प्यारा सा बेबी दे, आमीन। सभी ने दुआ करनी है अल्लाह पाक सबको दे, जो जो भी औलाद है इस माह रमज़ान के महीने के सदके, जो औलाद होती है ना जिनकी आज तो मेरा भी यही हाल है। आज तो मुझे ना तकरीबन 2 बजे ना मेरे पास कस्टमर थे, तो उनका काम शाम कर रही थी, मुझे लगी प्यास, मैं क्या मुझे लगी है प्यास, हाँ बोल बोल के ना कस्टमर के साथ बात करके प्यास लग जाती है, ये भी है ना। और जब आप आते हैं ना मुझे आपसे बड़ी खुशबू आती है अचार की, अचार का भी दिल कर जाता है खाने को, अचार मिर्ची का अचार बड़ा लगता है। अच्छा मुझे याद नहीं रहा सारी टाइम ना, मैंने सोचा था कि मैं सारी टाइम ना पराठा खाऊंगी ना साथ में, अचार भी लूंगी दाल के साथ, मुझे याद ही नहीं रहा जल्दी, हाँ आज खाऊंगी। आज इकट्ठे खाएंगे दोनों बैठ के, खुद से ना आज ना फैन भी आए हुए थे मिलने के लिए, वो कह रहे थे अभी हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं, भी लोग बड़े देखते हैं, तो ना अभी वो जब कामरा भाई बर्तन वॉश करते हैं तो वो सच में ये बाद में भी करते हैं, ये व्लॉग में करते हैं, बाद में भी करते हैं, तो कहती है कि सही बात है, मेरी दुआ है, मेरी ये दुआ करना मुझे भी इस तरह का हस्बैंड मिले।
मैं ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी आपको इस तरह का हस्बैंड मिले, सेवा सुबह करे। तेरह साल बाद माशाल्लाह माशाल्लाह पाक ने सुनी है उनकी और बड़ी खुश थी वो, मुझे उसने वॉइस मैसेज किए हुए हैं और रो रो के बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा था ना अल्लाह पाक का देर है अंधेर नहीं, अल्लाह ताला ने सड़ी बहन उनका नाम नुसरत है, नुसरत अपी नो माशाल्लाह 13 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद ना नवाजा और बहुत बहुत मुबारक है और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और भाई अल्लाह भी मुबारक और बड़ी खुशी हुई आसमान ज्यादा से और हर बारी आसमान कहती थी कि मेरे लिए दुआ करना, हां यही कहती थी, आसमान दुआ भी करवाती थी और माशाल्लाह एक साल तो साढ़े नाले टाइम सी, हाँ बड़ी तो एक साल तो उन्होंने सब कहती सी और ऐसी भी दुआ कराई उन्होंने और अल्लाह ताला ने, मैंने बताया व्लॉग में बोला, मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। वो मेरी जो प्यारी बहन है, एक मेरी प्यारी बहन है गुजरांवाला से है, वो मुझे दुआ के लिए बड़ा कहती है तो अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह आपको भी देनी है, और जो जो मेरी प्यारी बहन मुझे देखती हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है अल्लाह पाक ने उनको भी देनी है इंशाल्लाह। किया अतिया रोशना माशाल्लाह आसमान साडे बड़े ने एक सिक्का दिया, सिक्का ओ सिक्का जो है ना एक ते औलाद लिए दुआ लिए हुंदा ते एक ओदे नाल ना सिक्का दे के मुड़े ही होणगे, मुड़े हो गए कामरा की माशाल्लाह अम्मी है उनके भी बेटे थे माशाल्लाह, तो छोटी सिस्टर के माशाल्लाह बेटे हैं, से अल्लाह की देन है ना, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक साल में रखे। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे और ना किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि अभी आपको बेटी का शौक है, तो किसी ने उसको रिप्लाई दिया, ये भी पूछने की बात है किसको बेटी का शौक नहीं होता, सबको होता है, मुझे भी शौक है और मुझे भी बहुत शौक है, कामरों को बड़ा शौक है बेटियों का, मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं मेरे सलून में तो छोटे छोटे बच्चे उठाए होते हैं, मैं उनको कहती हूँ अभी तुम पहले बैठ जाते उन्होंने जरा बच्चा भरा दो तो जरा थोड़ा ना प्यार कर लिए ना, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है बच्चियाँ माशाल्लाह, बच्चियाँ होती हैं बड़ी प्यारी हैं, बच्चों की जो ड्रेसिंग है उनकी फ्राकें छोटे छोटे कपड़े इनके इतने प्यारे होते हैं, उनकी हर चीज़ ही बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि मेरी है नहीं है तो मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको दे और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह प्यारी फैमिली के प्यारे प्यारे कमेंट्स और प्यारी प्यारी दुआएँ। और जनाब बैठो तो सागर जाया कि मैं कहना कि अज घर दाल ना पराठे ते नाल चार, हाँ जी दो तुसी कहोगे और कुछ बना लेंगे, सही है दाल, हाँ आपको पता अफतारी के बाद क्या हाल होता है, अफतारी के बाद पानी की प्यास लगती है, कुछ भी नहीं खाया जाता तो मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बच्चे कहते हमने कुछ नहीं खाना, अब वैसे कल सुबह शोरमा लेके आया था सुबह अपना समोसा कचौरियाँ भी नहीं खानी, कुछ होर ही कर दो यार क्या खाना है देख लेंगे कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे सलोन में बिजी होती हूँ फिर यानी टाइम पे होता है जो भी बंदा करे जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड कुछ बना ले तो वो बंदा बना ले, फ्रूट चाट ना बनाओ कुछ ना कुछ करेंगे जल्दी पहुँचेंगे ना तो करेंगे, यहाँ पे तो आपको पता भी टाइम है अभी सलोम इधर ही है अभी तो थोड़ी देर तक जाएंगे, कामरा वैसे मुझे देखने के लिए आए थे कि क्या कर रही है तो मैं बिजी थी अभी कस्टमर बाहर गए तो फिर कामरा साहब अंदर आए तो मैंने कहा दो चार बातें कर लेते फिर आप चले जाए, मैंने ना लगाई है पहले ऐसे ही ना मैंने कहा लगा के रखती हूँ कूलिंग ठीक हुई है, मैं कहना मजे आ गए वाह सही, मैंने खाली चलाई है पहले तब बर्फ जमा ला नहीं तुसी, नहीं नहीं पहले सोनू आया था मैं कहना खाली चलाओ पहले सही है ठंडक खाली सही है पहले चलाइए, अच्छा इसकी इतनी कूलिंग है इतनी ठंडक है ऊपर वाले खाने में बर्फ भी जमेगी, देखियो कितने कोले आने हैं बर्फ वाले जो बोल होते हैं ना बर्फ वाले तीन चार आ जाने हैं, सही है ध्यान दो दो बंदा रखे ज्यादा ना रखे है ना बहुत ज्यादा कूलिंग है, ठंडक भी सही है, चलो जी अब ठंडक प्रॉपर हो गया इसके अंदर, मैं जाना बाजार को बड़ा रोजा लग रहा है आज चले मैं कह रही बीफ लेते हैं उधर से बाजार से, तो टाइम पे चलते हैं बाजार से खुला तो है वो ना यही है ना या जो आपकी मर्जी है जो आपकी मर्जी जो कामरे की मर्जी है, चलो देखते हैं बाहर जाके खान पकान की समझ नहीं आती, आज टाइम पे चले जाती हूँ फिर दोबारा देखना होगा आना होगा तो आ जाएंगे तो कुछ बनाते हैं जाके, चले प्लान करते हैं, ये मिर्च बहुत जबरदस्त लग रही है, मसूरे भी अच्छे हैं, मिर्च भी अच्छी है, अच्छा जी यहाँ पे ये देख सकते हैं जी मेन बाजार में रश, और मैं तो आ गई हूँ बाजार आपको दिखाऊंगी कितना रश है बाजार, आज मेरे पास बहुत जल्दी की होती है कि मैं आपको वही दिखा सकूँ, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ज्वेलरी की दुकान,
और यहाँ पे ये शॉप, ये है जी हमारी अपनी शॉप है, ये सामने वाली, ये वाली, ये यहाँ पे जूते, सारा कुछ बताऊँगी मैं आपको, हर चीज़ का बाजार में जो जो चीज़ें, ये भी है दुकान, देख ले शॉपिंग कर ले, शॉपिंग कर ले यहाँ पे। हाँ देख ले भी, चलो यहाँ देख ले भी है, गया तो फिर भी बना सकते, बाहर आ गए हम, बाहर आ गए रोड पे। देख ले सब, सारा कुछ देख ले, बाजार रोड के देख ले, आज मैंने आपको सारी शक्करबाग की रोड के बाजार, छोटे बड़े इधर उधर बहुत सारा कुछ दिखा देना। ये कामरा लेके आ गए, चिकन के बाद बच्चे बीफ नहीं खाते, बच्चे बीफ नहीं खाते, मैंने कहा बच्चे चिकन नहीं खाते हैं। यहाँ पे भी रश होता है बाजार में, यहाँ से हम आ गए सब्जी की दुकान पे, तो यहाँ से हम सब्जी लेते हैं, मसाला लेते हैं, क्यों साढ़े इलाके दी है आज कितने, ये बड़ी मजे की बड़ी चीज़ बनाने बनाई थी। अच्छा जी, इस दुकान से हमने ले लिया जी बेसन वगैरह, हल्दी और मसाले ले लिए, ठीक है ना, तो यहाँ सामान काज के दसा ही, यहाँ से ये नतीजे वगैरह ले लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना जल्दी जल्दी से पालक, प्याज, आलू और हरी मिर्च इसके अंदर मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ पे जी जल्दी जल्दी से हम पालक पकौड़े तैयार करते हैं, काम कढ़ाई दौड़ रहे हैं, चिकन और गैस गैस जड़ी है ना, देखो रोजे तो पहले भी नहीं लोग दे रहे हैं, ऐ सारे पाकिस्तान दी है, ऐ हाल है पाकिस्तान का, तो की करिए फिर। यहाँ पे जी मैं मैदा और बेसन डालती हूँ, जल्दी से मटेरियल तैयार करती हूँ, फिर हम जल्दी जल्दी पकौड़े बनाते हैं। हाँ जी मम्मा, स्कंजी बना रही हो? यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्कंजी, आज मैंने कहा स्कंजी बनाते हैं, आज मैंने पकौड़ों का इंतजाम कर लिया था, पकौड़ों का इंतजाम कर लिया था, मसाला मसूला तैयार कर लिया था, लेकिन गैस होगी बंद, यहाँ पे हमारे गैस नहीं आती, यही इशू है, क्या करें बाहर, आपको पता सलोन भी जाना घर का, फिर आके इसलिए हम बाज़ार से ले आते हैं रेडीमेड, फिर चलो भी गैस होती है, अभी बच्चे देखते हैं कि क्या खाना है क्या पीना है। तो यहाँ पर मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ स्कंजी, आज प्याज भी बड़ी लगी हुई है, स्कंजी का मज़ा भी बड़ा लगी हुई है आज, भैया ना आपको भी प्याज लगी है? अच्छा जी लेना बड़ा पापा से, पापा जी मामा कहती बर्फ ले आना, बर्फ तो ले आनी है फ्रिज लाने। अच्छा जी बैंगन की तैयारी है, हाँ जी कामरा ने स्पीड मारनी है, मेरे पकौड़े भी सामान रेडी है पकौड़ों का, तो मैंने ना सिलेंडर जलाया नीचे रखा है सिलेंडर, और बिस्मिल्लाह करते हैं पकौड़े बनाते हैं, आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जी पकौड़े हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे बैंगन फ्राई करेंगे इसके साथ, बच्चे हो जाएंगे हैप्पी, मामा पापा ने घर आके पकौड़े बनाए हैं, हर चीज़ हम बाज़ार से लेके आए हैं, अभी भी लेके आए हैं, अभी अभी तैयार की है। यहाँ पे ये देखो जी मिनटों सेकेंटों में हमारे पकौड़े हो गए हैं रेडी, घर पे वक्की पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी भी है, पकौड़ों की खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। थोड़ी हरी मिर्चा फूलती भी नहीं बिच, हरी मिर्चा फूलती भी हैं, रोज़ा बहुत लगता है, इसका नींद ठंडी करो जल्दी जल्दी, ठंडी
यहाँ पे ये देखिए पकौड़ों की लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मामा बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, तो वो तो आनी है। इतने इतने कमाल के मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं मैंने, सूखा धनिया भी किया है, दादर मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, ये है पकौड़े। इसको यहाँ पर रखते हैं, ये बाद में निकालती हूँ, ये निकाल के ना पड़ागा। और कमरे की मिर्च यहाँ पे पकौड़े बन गए हैं, यहाँ पे बन चुके हैं और यहाँ पे भी बन चुके हैं। देख सकते हैं आप इसकी कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के। अच्छा जी यहाँ पे रखते हैं टेबल पे, ले जाना ये रखना जरा टेबल पे। और देखा कितने टाइम पे मामा ने इफ्तारी का इंतजाम कर लिया, ये यहाँ रखो आप इस टेबल पे रखो। हाँ है कि नहीं, किन्नी है स्पीटा स्पीटा से माशाल्लाह स्कंजी भी बनाई है ना, सही किया। अज कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी आके जिंदाबाद आ गई आ गई, रोजा तो बड़े टाइम पे अफतार हो गया। बिस्मिल्लाह अब डालो, अब तक मैं ये डालू आज कम कर देते हैं। ये देखिए जी ये इस तरह का इस तरीके से ना मसाले मैंने इसके अंदर सारे प्रॉपर डाल दिए। इसी तरह मैंने सारे डाल देने, बड़े बड़े प्यारे से बैंगन फ्राई हो जाने हैं। ये है जी क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे और यहाँ पे किया फ्राई, मैं साफ कर लूँ बोला। चलो जी ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लेती हूँ जून लो अब स्कंजी जा की है, परफेक्ट बनी है ना, बड़ी जबर बनी है। फिर की है हमने स्कंजी भी है ये देखे जी बैंगन भी फ्राई हो गया, फिर को थोड़े देर स्टे देंगे यहाँ पे, फिर अच्छे से हो जाएंगे। रोजाना इफ्तार कर लिया। अच्छा पकौड़े चेक किए नमक कैसा है, खाना नहीं चेक किए अभी, साथ में मैंने पुदीने की और उसकी चटनी बनाई है मजे की है, बहुत इंजॉय किया हम सब ने, और अमीरा के आपने भी किया होगा। और यहाँ पे जी बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है, अभी शाकी अजान होने वाली है, वो भी नमाज पढ़नी है। किचन मैंने सारा साफ सुथरा कर लिया है, सारा काम खत्म कर लिया। तो बाकी अल्लाह पाक साहब को अपनी जुमान में रखे, खुश आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। यहाँ पे अपनी एक्टिविटी भी ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे नई अच्छी नई गुड मॉर्निंग के साथ, नए अच्छे व्लॉग के साथ, नई शायरी के साथ। तो हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह, अगर एक्टिविटी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे और बेल को प्रेस कर दे ताकि तमाम मेरी वीडियो सबके पास आती रहें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।